प्रयागराज जिले के बसुआर गांव पहुंची प्रियंका गांधी। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज जिले के बसुआर गांव की, जहां पर मछुआरा समुदाय और निषादों के साथ बर्बरता और उनकी समस्या को लेकर कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची और उनसे मुलाकात की। मछुआरा समुदाय के लोगों ने अपने ऊपर प्रशासन द्वारा हुए अत्याचार और अपनी तोड़ी गई नाव के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि इन्हीं नाव के बल पर हम अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं और जब हमारी नाव टूट गई तो हम अपने परिवार का गुजारा कैसे करेंगे। प्रियंका गांधी ने उनसे वादा किया कि हम आपके अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे और उचित न्याय दिलाएंगे। प्रियंका गांधी के साथ प्रमोद तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार, दारागंज पार्षद अल्पना निषाद आदि मौजूद थे। प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, आइए हम दिखाते हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से अनिल यादव के साथ सुशील यादव की इस खास रिपोर्ट में। आपकी नाव तोड़ी है, इस मुद्दे को हम उठाएंगे, पूरी तरह से आपकी लड़ाई लड़ेंगे। ये जो आपकी बरादरी है, आपने बहुत मदद की है इस सरकार की, जब इनका आपके वोट से ये सरकार आई है, लेकिन भूल गए हैं। और बार बार मैं ये कहती हूँ कि जो नेता है, जब वो भूल जाता है कि उसको सत्ता किसने दी है, तो वो भटकने लगता है। इनको समझ में नहीं आया है कि बनाने वाले आप हैं, आपने इनको सत्ता दी है, इनको आपके लिए काम करना।